अस्सलामुअलैकुम, शान पाक से मोहम्मद अली लाइव हूँ इस टाइम पर। मैं बिल्कुल सुबह का टाइम है, जैसे आप देख सकते हैं काम हो रहा है इस वक्त यहाँ पे। सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से श्री गाय कांजी कंपनी है कॉन्ट्रैक्टर जो कि इसको काम कर रही है। ये सारा कूड़ा यहाँ से ये लोग उठाते हैं और ये इसके ज़रिए से उठा के अभी थोड़ी देर में ट्रॉली आएगी यहाँ पर, इसको ट्रॉली में रखा जाएगा, फिर ट्रॉली के ज़रिए से इसको डंपिंग ग्राउंड के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है, एक अच्छा काम है जो लोग कर रहे हैं और सिंगाई कांजी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। इंशाल्लाह इस वेस्ट मैनेजमेंट को फिर आके इस्तेमाल किया जाएगा, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती है। वो लोग जो बायोकेमिकल से रिलेटेड चीज़ों को जानते हैं उनको पता है कि इस कचरे की मदद से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। वो लोग जिन्होंने बचपन में छोटी मोटी किताबें पढ़ी होंगी कूड़े कचरे से दौलत बनाए, उनको पता होगा ये कूड़ा कचरा भी बड़े काम का होता है। इसकी मदद से आप बिजली बना सकते हो, इसकी मदद से आप फर्टिलाइज़र बना सकते हो, इसकी मदद से आप बहुत सारे यूजेबल आइटम बना सकते हो। इसकी जो आप छाल देख रहे हो इसकी मदद से आप कुर्सियाँ बना सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी अभी इस वक्त नीचे की तरफ चीज़ें दबी हुई हैं जिसके अंदर आप मुख्तलिफ़ तरह से रीयूजबल आइटम्स बना सकते हो। तो ये सेंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और शिंगाई कांजी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी मदद से काम किया जा रहा है। मिठा सुबह जाते हैं लोडर पर करते हैं, सारा कूड़ा इकट्ठा करते हैं और कूड़ा इकट्ठा करने के बाद ये इसको यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। इसके बाद ये डंपिंग आता है, डंपिंग को लेके जाते हैं, इसको फिर डंप करते हैं। एक गुजारिश आप लोगों से करनी थी, इन लोगों ने यहाँ पर ये बोर्ड ये देख रहे हैं पीछे ये गार्बेज के ड्रम्स रखे हुए हैं, ये इधर भी रखे हुए हैं और ये इधर भी इस तरफ ही। मैं यहाँ पर आपको आगे लेके जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी रखे हुए हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल चीज़ ये है कि जब ये काम हो रहा होता है तो बजाय लोग इसके अंदर डालने के कूड़ा डाल देते हैं यहाँ पे या नीचे, इसकी वजह से इन बेचारों का काम बढ़ जाता है। अगर आप ये अब तक कूड़ा कचरा इन डब्बों के अंदर डालें, ये डब्बे होते हैं, इस कूड़ा डब्बों के अंदर डालें तो ये आराम से उठा के इस जहन का काम ईजी हो जाएगा। ये वो काम जो इनको एक एक घंटा लगा के करना पड़ता है वो काम तकरीबन ये शायद आधा घंटे में कर लें, ताकि फिर ये आगे मूव हो जाएगा। ये देखें जिनकी ट्रॉली भी आ गई है, अब देखें इतफाक से ये देखें इसी वक्त ट्रॉली भी आ गई है, ये कचरा उठ रहा है। बस आप लोगों से गुजारिश है, ये देखें ये साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने कचरे के डब्बे के अंदर डाला है, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त काम। इस तरीके से कचरे के डब्बे के अंदर डालेंगे तो इनका काम आसान हो जाएगा। ये देखें अभी उठाया जा रहा है यहाँ पर, और ये उठाने के बाद इसके अंदर डंप किया जाएगा। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा हट जाता हूँ, ना सारा यह मट्टी मुझ पर आएगी। शान पाक इससे लाइव हूँ इस वक्त में, माशाल्लाह से काम हो रहा है। आप भी खुद इनिशिएटिव लें, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट के इदारे भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आपने सेल्फ इनिशिएटिव लेना है। वो सेल्फ इनिशिएटिव ये कि आप इस बात का एहसास करें कि कचरेदान के अंदर डालें, कचरों का डब्बा जो लगा हुआ है उसके अंदर डालें, ताकि ये जो चीज़ है ना ये इसका प्रोसेस फ्लो तेज़ हो सके। अगर ये डब्बों के अंदर डला होता, इन डब्बों के अंदर ये जो यहाँ रखे हुए हैं, तो आराम से ये डब्बा बस उसके अंदर उलट दिया जाता। बेचारा इतनी देर से अभी इसको अभी करने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। देखें वो दबा रहा है, कर रहा है। इसका अच्छा तरीका ये होता है कि घर में जब कचरा होता है उसको एक अच्छे प्लास्टिक बैग में लें जो कि अच्छे ग्राम का हो, उसको आप कचरे के प्लास्टिक के अंदर डालने के बाद उसको गिरा लगाएं और गिरा लाने के बाद उस डब्बे के अंदर डालें। जैसे दुबई वगैरह जो लोग दुबई में रहकर आए, जैसे मैं बाहर रहकर आया हूँ, तो ऐसे ही करता था मैं। घर का सारा कचरा एक डब्बे एक कचरे में डाला जाता था। देखिए यहाँ पे एक आपको एक कचरे का मैं दिखाता हूँ, एक नज़र ये रहा, एक कचरे का नीचे गया है, एक शायद आपको नज़र आया हो, ब्लैक कलर का वो था, उसके अंदर डाल के बंद कर दिया जाता है। उसके बाद उसको उस कचरेदान के अंदर डाल दिया जाता है। थोड़ा सा मट्टी उड़ी है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन हो गई है, पीछे में हो जाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, बाकी शान पाक जैसा आप देख सकते हैं हमारी शजरकारी लास्ट टाइम जो मुहिम हुई थी वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पौधे लगे हुए हैं, काम चल रहा है। कुछ यहाँ पे अभी सफाई है, मस्जिदों नहीं बाकी हैं, इंशाल्लाह